सॉक्स पहने होंगे। चुप रहना चुप रहना। ऐसे ही होता है जब भी चिक्कू चिच्ची करता है ना, ये दोनों ऐसे ही चिल्लाते हैं। चीने उधर क्या किए वाला है। चीने उधर क्या गिराए वाला है। पनीर। जी कभी कभी पनीर देती तो एक दिन क्या देती। लाल टिक्का देती। ए चुप रहो ना तुम लोग हैं, मैं जा रही हूं यहां से। ए बाहर उधर चिच्ची है। ए क्या रे तुम लोग है ना ऐसे बात कर रहे जैसे कि तुम कभी है ना बाथरूम को जाते ही नहीं। हां नानी ने मेरे को ना बहुत सारा दाल चावल खिलाया था इसलिए। चलो अभी है ना कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम मैं मोमोज निकालूंगा। ये ले दीदी। क्या लाया चीतू? दादा क्या है इसमें? मोमोज है इसमें। मोमोज चीकू को मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है और हमारे कृष्णा को भी मोमोज पसंद है। ए दीदी वो जल्दी से खोल क्योंकि मेरे को अभी है ना मोमोज खाने के, ताकि मैं है ना कल सुबह सुबह मोमोज निकाल सकूं। ये देखो ये ऐसे मोमोज निकालूंगा तुम्हें। अच्छे ये मोमोज। खुश हो गया मोमोज, उसको बहुत पसंद है। जी मैं एक लूं। ए बिल्ली, ए मिया, ये मोमोज तेरे को खाने के, वो मोमोज खा तू। ए कुछ के लिए कृष्णा के लिए गुड न्यूज आई है, रुको मैं बताती हूँ उसको। कृष्णा इधर आ। बच्चे तेरे लिए गुड न्यूज है। क्या है? ये 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 क्या है? गेस कर क्या गुड न्यूज हो सकती है। बहुत बड़ी गुड न्यूज है, तू डांस करेगा ये सुनने के बाद। यार अभी है ना बस हो गया, आप सबको पता है पप्पा है ना कल से इतना गुस्सा कर रहे। क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये देखो ये बालकनी देख रहे हो आप, इतना सारा गंदगी। और ये देखो ये मेरी रूम, कोई बोलेगा ये मेरी रूम है? पापा बोल रहे कि ये ऐसी रूम होती है क्या? कितनी गंदी करके रखी है ये रूम, तो ये सब साफ करने के लिए बोला। क्या हुआ नहीं क्या अभी तक ये सब साफ सफाई? ये सब है ना नीचे, वो क्या है ये सब? ये ठीक है ना, अभी कर रही हूँ ना मैं, उठ गई हूँ ना, अभी करते हैं ना साफ सफाई। बुला मामा को। फ्रिज बालकनी में फ्रिज ला के रख दिए यहाँ पे, ये टेबल वो मिरर फोड़ दिए, ये टेबल यहाँ ला के रख दिए। ड्रेसिंग टेबल का टेबल है बाय द वे। हाँ वहाँ देख वो सिलेंडर रखे वाला है, मतलब ये देख देख जरा जाके बाहर देख जरा। ये देखो 2 मिनट इंसान बालकनी में बैठता है क्या नहीं बैठता है उसके अंदर भी। वहाँ स्टोर रूम बालकनी को बना दिया स्टोर रूम पूरा, इसके ये इसको कैसा सब ये कर दिए, किचन कैसा खराब कर दिए, ये घर जैसा घर ही नहीं रहा। तो आप क्या चाहते हो ये सब अभी हम नीचे लेके जाएं? ये सब फ्रिज में हटेगा, फ्रिज यहाँ नहीं रहता, किचन में रहता फ्रिज। ये सब यहाँ से सब साफ सफाई हो जाना ये, और ये पूरा जितना ऊपर है ना ये सब साफ सफाई हो जाना, पूरी वॉल क्लीन हो जाना। अभी गए आज तो आप सबको पता है कल से पापा गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आज ही गुस्सा कर रहे, कल से ये सब देखा है ना पापा ने, ये सब इतना राड़ा गंदगी। तो अभी मामा मैं हम सब लोग काम पे लग गए, ये सब हमको साफ करना है। तो अभी है ना ये सब कुछ सामान हमको है ना नीचे शिफ्ट करना है जैसे पापा ने बोला है। और आप सबको तो पता ही है कि यार मामा ने और कृष्णा ने दोनों ने मेरे रूम पे ना कब्जा करके रखा है और मेरी रूम तो छोड़ ही नहीं रहे, तो इनके रूम है ना नीचे शिफ्ट करनी है और इनको है ना टीवी कंप्यूटर सब कुछ नीचे अरेंज करके देना है, इनकी एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं आएगी और मुझे मेरी रूम वापस मिल जाएगी। यस यस यस, मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी कि मुझे मेरी रूम वापस चाहिए। तो ये देखो ये जो गद्दा है ना ये नीचे लेके जा रहे हैं। ये गद्दा उठाना है ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अगर तुमको नहीं जम रहा तो मैं अकेले उठा के लेके जाता इसको नीचे। गद्दा गिर रहा तो मैं थोड़ा साइड हो जाता ताकि वो तुम्हारे ऊपर गिरे। यस 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 यार आप सबको प...
गई, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि कृष्णा और मामा दोनों मेरे रूम पे ना कब्जा करके बैठे हुए थे और मेरे रूम छोड़ ही नहीं रहे थे। तो आज फाइनली पप्पा ने ना दोनों को बहुत डांटा, बोला कि यार ये जो कंप्यूटर वम्प्यूटर है ना सब नीचे लेके जाओ, वहाँ पे है ना तुमको जो करना है करो, बस ये रूम खाली कर दो। क्योंकि यार ये दोनों है ना कृष्णा और मामा ऐसे गेम्स लगा के बैठ जाते हैं, इतना आवाज़ करते हैं, गाने चलाते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पुकारा करते हैं, तो पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आता ये सब। तो भाई पापा ने तो है ना सीधा दोनों को बहुत डांटा, बोला कि अभी तुरंत तुरंत ये सब है ना रूम खाली करने की और ये रूम है ना डिब्बू को दे देने की। मतलब मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, मुझे मेरी रूम आज वापस मिल जाएगी। यार मतलब पता है मैं ना कब से सोच रही थी कि मुझे मेरी रूम है ना कब मिलेगी, लेकिन फाइनली आज मुझे मेरी रूम वापस मिलने वाली है। लेकिन यार ये दोनों लड़कों ने मिलकर ना रूम बहुत गंदी कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे रूम वापस साफ करनी पड़ेगी ना। चलो ठीक है, लेकिन यार और सुनो, मेरे पास है ना उड़ते उड़ते एक खबर आई है। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पक्की खबर है कि नहीं, लेकिन है ना हम शायद हमारा ना थोड़ा सा घर तोड़ के है ना बड़ा घर करने वाले हैं। अभी तक ये बात पक्की नहीं है, लेकिन जैसी पक्की हो जाती है मैं आपको बताऊंगी। चलो मैं ना आप सबको नीचे चल के दिखाती हूँ नीचे क्या क्या तैयारियां हो रही है। ये देखो, ये आ गया हमारा गद्दा मास्टर बेडरूम में। वाव यार देखो ना, अगर मामा और कृष्णा नीचे शिफ्ट हो जाएंगे तो मुझे मेरी रूम वापस मिल जाएगी, फिर तो बहुत मजे आ जाएंगे। नहीं कृष्णा, कृष्णा चल इधर आ जल्दी, कृष्णा आज मेरी हेल्प करेगा, वैसे भी उसके स्कूल को छुट्टी है ना, तो कुछ काम आना चाहिए कि नहीं। चल आ जा मेरी हेल्प कर काम करने में। मेरे को एक बात बता, तूने मेरे रूम पे क्यों कब्जा किया? अब वही रूम अब तुम्हारी नीचे लेके जानी है। चल चलना मोटे चल, बेड उठा के लेके जा। बेड नहीं उठाने का है, नहीं उठाने का है, ऊपर का सामान निकालने का है सब। चल, वाओ कैसे एक बार में सुन लिया तूने मेरी बात। देख सारा सामान निकालने का है, एक एक नहीं निकालने का है, हाँ ना ढीला कहीं का। हम करवा रही हूँ, मैं सेवी तो करता नहीं है। तू मेरा बड़ा भाई है ना, तू अच्छा भाई है ना। ये देखो, ये कृष्णा और राधा, ये मेरे ना फैन ने दिया था मुझे, ये कब भी मेरे फैन ने दिया था। अभी क्या, अभी क्या जाले डाल के पीने का है तेरे को, जो रख दिया। अरे मतलब जो फैन ने दिया है मैंने ना उसको संभाल के ऐसे ऊपर रखा है, लेकिन ये कप का डंडा है ना छीने तोड़। इन मैडम को देखो, कुछ काम धंधा कुछ है कि नहीं लाइफ में इनको, निस्ता दिन भर सोती पड़ी रहती। देखो ये कैसे देख रहे, तेरी मेरी सबकी मोला हाजू मोला, ये तेरी मेरी सबकी मोला हाजू मोला। वहाँ ऊपर कहाँ रख रहा, फिर से नीचे ले, ये ले फोटो ले तेरी और पापा की और पापा की। ये भी मुझे मेरे फैन ने दिया था, इसको अच्छे से पोंछना पड़ेगा मुझे। चलो कम ऑन लगो काम पे। जी ये कौन है बता, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? ये प्यारी सी बच्ची अभी होने वाली सुपरस्टार है, सुपरस्टार। चल ना काम मत बड़ा मेरा, तू आज मेरी बात कैसे मान रहा है, इतना अच्छा भाई कैसे बन गया तू? वो पापा की वजह से। आ मेरा भाई प्यारा। कृष्णा मामा ने ये पूरी रूम यहाँ पे एकदम खराब की है। हाँ तो वही साफ करेंगे, इसलिए मैंने उसको बुलाया है। सब ये कुछ कचरा नहीं दिखना यहाँ पे, सब लेके निकलो यहाँ से। हाँ बिल्ली भी एक कचरा है, उसको भी हटाओ। ऐसे ही करते हैं ये दोनों, बिल्ली कचरा नहीं है, बिल्ली प्यारी नहीं है, गिरेगा उसके ऊपर पीछे। ये कचरा है, मामा को बोला, मामा उठाएंगे सब। मतलब बाहर बालकनी में इंसान थोड़ा शाम के टाइम पे एक चेयर लगा के बैठता, वहाँ ना चेयर है ना कुछ नहीं है वहाँ, और वहाँ है सिलेंडर। सिलेंडर बैठेगा इंसान बाहर जाके, बालकनी में रखे सिलेंडर, इतनी सी जगह है वहाँ पे। अरे ठीक है ना पापा, आज एकदम नया चकाचक घर बना देंगे, देखना आप बस। घर का क्लीनर, यार घर का क्लीनर बन गए हम लोग अभी। चलो जिम्मेदारी सब हम पे, हमको ही साफ करना है। तो ऊपर है ना मैंने झाड़ू लगा दिया है, साफ सफाई हो गई है, बस ये जो न्यूज़पेपर है ना ये मैं ना ऊपर लगा देती हूँ अच्छे से, मतलब रख देती हूँ जैसे हर घर में रखते हैं, पता है मेरे को।
मेरे रूम आ गए। आओ आओ ये देखो। अभी कैसा यहाँ से पूरी काला साया पूरा चले गया। काला साया फिर देख कितना मस्त लग रहा हो। एकदम पॉजिटिव रूम लग रही है कि नहीं। सारा काला साया पूरा सब चले गया यहाँ से। बालकनी देखूंगा पहले जाके। अभी बालकनी बाकी है, रेडी होना। रुको जरा रुको ना, अभी रेडी होना बाकी है बालकनी। मतलब सबरे से अभी तक तुमने मेरी बालकनी नहीं ठीक करे। रूम साफ करने में ही टाइम लग गया, अभी किचन भी नीचे जा रहा है। पापा मैं ना इनसे नीचे जाके मैं काम करा था, मैंने अभी हाथ में भी तलवार उठा लिया। अभी जो भी काम नहीं करेगा ना उसको दे फटके ले धपा धप दे फटके करूंगा मैं अभी नीचे जाके। तो मेरी रूम पूरी तरह से रेडी हो गई है, देखना चाहते हो? ए सुन रहे, कल स्कूल जाने का है ना? जाने का है कल स्कूल? इधर आ बैठो। हाँ मैं क्या बोल रहा, सुन इधर बैठ, ऐसे बैठ। कल स्कूल जा रहा है ना तू? कितनी तारीख है कल? कल 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर है ना? 2 अक्टूबर। हाँ तो कल गांधी जयंती है, तो जा रहा हूँ कल स्कूल को तू? हाँ। क्या रहता गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को क्या रहता? अरे पगला, कल स्कूल को छुट्टी रहती। छुट्टी कल छुट्टी है, जा रहा हूँ मैं स्कूल जाऊंगा। अंदर खुशी हो रही होंगी लेकिन वो चेहरे पे नहीं आ रही, क्यों? कैसा लग रहा बच्चे सुन के कि कल छुट्टी है स्कूल? बताना बहुत अच्छा लग रहा। Watch this! Look at this! An A-list! Look at Cena! Cena ducked underneath it! Miz! Miz! Skull-crushing finale! Miz, how could you? 1, 2, 3! Cena! 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 हीरो बनने के चक्कर में एक दिन हड्डी बड्डी तोड़वा लूंगा मेरी। वही मैं बोल रही हूँ, कमर वमर लचक जाएगी, मत करो इतना महंगा मिलेगा। क्यों बुढ़ापे में कर दो। Look at Cena! Cena ducked underneath it! Miz! Miz! Skull crushing finale! Miz, how could you? Watch this! Look at this! An A-list! Skull! अभी कुछ बोलना नहीं मम्मी, अभी एकदम शांत रहना। रहने दो, इतना ही आता है। चोक स्लैम होना का चोक स्लैम नहीं होना। चलो काम करने का, चलो कहाँ चलो ना।
अरे नहीं मैं कभी स्नैक खाया, मैं भी दुख रहा पेट तो। किसके हाथ से खाया? कृष्णा के। वाह वाह वाह, चलो काम है यार। बहुत इधर की साइड है ना हमारा किचन का जो ये है ना रैक, वो सेट हो गया है। बस यहाँ पे है ना ये जो ओटा है ना, यहाँ पे गैस वगैरह सिलेंडर सब कुछ लेके आना है। फिर इधर की साइड देखो, हॉल में भी है ना टीवी सेट कर दिया हमने सुबह मामा ने मिल के। और इधर के साइड है ना सोफा वगैरह अच्छे से क्लीन करने, और ये फोटो भी लगा दिया हमने यहाँ। एंड इधर की जो मास्टर बेडरूम है ना, आप सबको पता है ये मास्टर बेडरूम किसकी होने वाली है? ये मास्टर बेडरूम कृष्णा की और मामा की होने वाली है। तो यहाँ पे है ना कंप्यूटर भी सेट कर दिया है। अभी मुझे है ना इसको सेट करना है, अरेंज करना है एकदम अच्छे से। और यहाँ पे ना ये छोटा सा बेड भी लगा दिया है, क्योंकि यार यहाँ पे सोएंगे ना मामा और कृष्णा। और इधर के साइड ये भी बड़ा वाला गद्दा है, इसको देखते कहाँ रखेंगे। देखो मैं भी यहाँ पे है ना सब पीसी अरेंज करके दे रही हूँ, क्योंकि क्या ही है कृष्णा और मामा दोनों को है ना यहाँ पे नीचे बोर नहीं होना चाहिए, उनके एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देखो ये वाली जो वॉच है ना, ये घड़ी, ये कितनी अच्छी है। ये भी वास्तु शांति पे हमें गिफ्ट आई है, और इसमें फैमिली फोटोज लगाने होते हैं। देखो चलो बताओ मम्मी अभी फोटो फ्रेम कहाँ कहाँ लगानी है। घड़ी तो मैंने सोच लिया इस साइड लगानी है, क्योंकि ये जो दीवार है ना ये खाली लग रही है, तो घड़ी यहाँ पे अच्छी लगेगी हाइट पे। हाँ हाँ, यहाँ पे भी अच्छी लगेगी। और फोटो सारे भगवान के मंदिर में लगानी है। अच्छा ठीक है चलेगा। और ये रहा इधर की साइड हमारा मंदिर, एक सेकेंड मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। ये देखो ये फोटो फ्रेम यहाँ पे लग गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो अभी मैं ना आप सबको हमारे नीचे के रूम का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। देखो यार इतना परफेक्टली भी है ना रेडी नहीं हुआ है, हमको है ना और कर्टन्स वगैरह सब कुछ लगाना है इसमें, ठीक है? तो जितना हुआ उतना देख। शुरुआत अभी घर को डेकोरेट भी तो करना है, तो क्या बोलते हो शॉपिंग वाला वीडियो चाहिए? तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।